दुनिया इतना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तेज रफ्तार से जब दुनिया आगे बढ़ता है उसमें विकास भी बहुत तेज़ी से होता है और लोगों का सोच भी बहुत आगे हो जाता है और लोगों की ज़रूरत भी बहुत मतलब डिमांडेड होने लगता है। और आप सभी को पता होगा कि अभी के ज़माने में कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता और सब खुद को सुंदर दिखना चाहता है। और हमने कई बार ऐसे सुना है कि ब्यूटी पार्लर होता है, स्पा होता है, जहाँ पर लोगों को जो है सुंदर बनाया जाता है, चाहे आप मेल कह लीजिए या फिर फीमेल कह लीजिए। और अभी हम एक ऐसे जगह में मौजूद है जहाँ पर जो है आपको सुंदरता दिखने के लिए जहाँ बनाया जाता है, और खास करके ये जो है मेडिकल जो अप्रूव जिसके तरीके से मेडिकल के तरफ से किया जाता है ना, ऐसे अरुणाचल में पहली बार ऐसे होगा जहाँ पर आप खुद को सुंदरता दिख सकता है। कई बार ऐसे बोलता है ना कि जवान लड़की या फिर लड़का में पिंपल्स वगैरह हो जाता है या फिर कुछ कट मार्क हो जाता है, उसको जो है सोल्यूशंस लाने के लिए या फिर उसको जो कम दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए जो है एक ऐसे जो है अभी आपके लिए ईटानगर में मौजूद है। आपको बता दूं जैसे कि आप ये देखेंगे रेवेना जो एस्थेटिक्स है ये जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ आ करके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का जो है सुविधा जो है आपको देगा। तो सबसे सोचने वाला बात यह है ना कि अभी के समय में जो है मैंने शुरू में कहा कि सुंदर दिखना चाहता है या फिर खुद को कम एज दिखना चाहता है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार का जो है आज एक मशीन्स का जो है लॉन्च किया गया, जो कि आपको यहाँ पर जो प्रोवाइड जो ये मशीन्स जो है देगी ना, कि मतलब इसको जो है मेडिकल टेक्निकल जो टर्म्स में जो है मैं भी खुद नहीं बता पाता हूँ, लेकिन जब इसके डॉक्टर से आपको जानकारी डॉक्टर्स जब देंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि ये आपके लिए क्या सुविधा दे सकता है। और एक पिताजी के लिए कामयाब तब होता है कि उनके ही पला हुआ या फिर उनके ही पराया हुआ कोई बेटी जो है ना, जब इस प्रकार का कोई क्लिनिक खोलता है या फिर इस प्रकार का जब सक्सेस पाता है ना, बहुत पिताजी को जो है गर्व महसूस होता है। रेवेना जो एस्थेटिक्स है ना, इसका जो है आज जो नया मशीन लॉन्च हुआ है इसका उद्घाटन किया गया, तो ये एक बहुत अच्छा खबर है कि जो यहाँ पर जो इसको जो चला रहा है ना डॉक्टर जो है बेंग्या चिर्ची है, और आप लोगों ने काफ़ी बार उसको जो है सोशल मीडिया में देखा होगा कि स्किन रिलेटेड जो है बात करते हुए, लेकिन इसका जो है जानकारी को अगर और कस्टमर तक या फिर जो पेशेंट होता है उस तक पहुंचाने के लिए अगर हम लोग डॉक्टर से बात करेंगे जो कि यहाँ का जो एस्थेटिक्स का जो है CMD है, उनसे अगर हम लोग जानकारी लेता है तो आपको और अच्छा यहाँ का विस्तार जानकारी आपको मिलेगा। तो उनसे हम सीधा बात करते हैं कि इस क्लिनिक में क्या क्या सुविधा है और इस सुविधा में जो है इसका प्राइजेस कैसे हैं और ये लोगों को किस प्रकार से सेवा देगी, खास करके जो खुद को सुंदर देखना चाहता है या फिर कुछ कतमर्क हो जाता है या फिर कुछ पिंपल्स निकल जाता है या फिर प्लास्टिक सर्जरी आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे कैसे यहाँ पर सुविधा दे सकता है। हम लोग यहाँ के जो है सीधा CMD डॉक्टर बेंग्या चिर्ची से सीधा हम लोग बात करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बेंग्या चिर्ची, CMD ऑफ रेवेना एस्थेटिक्स, एंड टुडे वी हैव लॉन्च्ड a very good machine, Morpheus 8 from InMode. ये मशीन के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। This machine is the first of its kind in our state, that is Arunachal Pradesh. And ये जो है it is a micro needling with radio frequency. And ये एक Israeli brand है। इस मशीन से वी कैन टारगेट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, ओपन पोर्स, एक्टिव एक्ने एंड इम्प्रूव स्किन टोन्स एंड स्किन इरेगुलरिटीज। दिस ऑल्सो टारगेट्स स्ट्रेच मार्क्स एंड फैट डीबल्किंग। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो ये होगा कि यूजुअली एज आप एजिंग के साथ साथ या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद औरत को बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं, उनके चेहरों पे रिंकल्स आने लग जाते हैं, यंग लड़कियों को पिंपल्स, एक्ने, ओपन पोर्स से वो बहुत परेशान होते हैं, एंड स्किन टोन अगर वो हील हो भी जाते हैं, स्किन टोन अनइवन हो जाते हैं, इरेगुलरिटीज़ हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे लड़कियों को, विमेन को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, तो उस चीज़ के लिए हमने एक लॉन्च किया है Morpheus 8, जिससे ये सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। एंड मी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, वाई आई हैव यू नो दिस मशीन इन माई क्लिनिक, क्योंकि मेरे पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं जो वो लोग बहुत परेशान होते हैं अपने स्ट्रेच मार्क्स को लेकर, और सीजेरियन के बाद उनके जो CS लाइन जो ज़्यादा दिख जाता है, बहुत सारे औरतें दे आर नॉट कंफर्टेबल विद दो स्ट्रेच मार्क्स एंड स्किन लैक्सिटीज़,
फेस तक का भी जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए हमने पेशेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने ये मशीन लॉन्च किया है। ऑब्वियसली आई एम नॉट क्लेमिंग कि आपका पूरा प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, बट अप टू 60-70% ये दिस मशीन कैन टेक केयर ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू गो थ्रू दिस मॉर्फियस 8 इन गूगल, यूट्यूब और एनीथिंग, यू विल गेट टू लर्न कि ये कितना एडवांस्ड मशीन है। दिस मशीन इज़ यूज्ड वर्ल्ड ओवर, इन जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होते हैं दे आर यूजिंग दिस मशीन्स रेगुलरली, एंड एवरी मशीन हैज़ टू अंडरगो FDA अप्रूवल। एक होता है कि एक टेक्निक को FDA अप्रूवल मिलना, लेकिन वो टेक्निक को जो मशीन जब लॉन्च होता है कुछ भी मशीन, वो मशीन खुद FDA अप्रूव्ड है कि नहीं दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो बहुत सारे मार्केट में होंगे MNRF के नाम पे, बट MNRF FDA अप्रूव्ड होते हुए भी उनका मशीन कई बार FDA अप्रूव्ड नहीं होता है। तो हमारे पास जो मशीन है दीज आर ऑल 100% FDA अप्रूवल, एंड वेयर द डाउन टाइम इज़ वेरी लेस। जो साइड इफ़ेक्ट जो होता है, जो रिस्क होता है, ये मशीन्स के साथ बहुत कम होता है। एंड आर मशीन्स विल बी यू नो ऑपरेटेड ओनली बाय डॉक्टर्स। दीज आर सर्टन, देयर आर सर्टन मशीन्स जो आप कोई भी नहीं यूज़ कर सकता, उनको सिर्फ डॉक्टर्स को ही यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मशीन्स विच कैन बी ऑपरेटेड ओनली बाय द डॉक्टर्स, सो दैट यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। एंड वन मोर थिंग, हमारे यूथ्स होते कई बार जो सुसाइड करने के टाइम पे कट करते हैं ना अपने रिस्ट को, एक हेजिटेशन मार्क्स होता है। बहुत सारे जवान लड़कियां हैं, वो अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि कैन आई गेट रीड ऑफ दिस स्कार। अब ये स्कार 100% जाएगा नहीं, बदन अगर इसको हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे तो दे कैन यू नो गेट ओवर विद द पास्ट। पास्ट को भूलना उन लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये सुसाइड मार्क्स है, स्ट्रेच मार्क्स, एवरी काइंड ऑफ मार्क्स जो है, जो स्कार्स है, उन सब से आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलेगा, ओपन पोर्स एवरीथिंग। मैडम कई बार ऐसे होता है क्योंकि चार्जेस को लेकर के लोगों का सवाल होता है कि ये मशीन डाला है तो पेज को सुंदर करने के लिए, ठीक देखने के लिए पैसा चार्जेस ज़्यादा लेता होगा, क्या इसका फीस कैसे है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे अरुणाचल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं प्राइसेस को लेकर। सेम मशीन से, सेम ड्यूरेशन, सेम आउटपुट के साथ अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाओगे ना, पर सेशंस 40,000 तो आपका जाता है। बट हमने कोशिश किया है कि विथ लेस प्रॉफिट मार्जिन वी आर जस्ट पुटिंग 10,000 पर सेशन, जो जस्ट इमेजिन 1/4 ऑफ द प्राइस। हमें उसमें वी आर नॉट लुकिंग मच इनटू द प्रॉफिट मार्जिन, बस वी आर जस्ट, हम बस ट्राई कर रहे कि लोगों को हम फ़ायदा हो हमारे क्लिनिक में आके, एंड दे कैन गेट रीड ऑफ द ओल्ड स्कार्स। सेशन कितना रहता है? सेशन जो स्कार के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको हल्का सा स्कार है, या हल्का सा पोर्स है, या हल्का सा फाइन लाइन्स रिंकल्स है, तो आपको कम सेशंस की ज़रूरत पड़ेंगे। क्या पता आपको 1-2 सेशंस में ही क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको थोड़े से डेप्थ में और ज़्यादा चाहिए तो इट कैन यू नो 6 सेशंस तक ज़रूरत पड़ सकता है, 6-8 सेशंस तक ज़रूरत पड़ सकता है। सो मैम, देखा जाए तो हमारा अरुणाचल ब्यूटी के लिए जाना भी जाता है और बहुत ही यंग दिखते हैं। तो मैम, ये जो मशीन है हमारे यूथफुल को मेनटेन कर रही, लेकिन इसका क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमारे नेचुरली हम तो एज होते रहते हैं, वही हमारा सुंदरता दर्शाता है, तो उनका क्या महत्व? ये मशीन एक नॉन इन्वेजिव मशीन है, इससे कुछ प्लास्टिक सर्जरी की तरह पूरा इंसान को चेंज नहीं करता है। उनको बस थोड़े से, जैसे ये कपड़े में रिंकल आ गया तो हमने थोड़ा प्रेस मार के ठीक कर लिया, मतलब माइनर लेवल पे वैसे टाइप है। इंग्लिश में जैसे बोलते हैं एज लाइक अ फाइन वाइन, तो एक वाइन को एक अच्छा वाइन बनने के लिए उस वाइन को बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत पड़ता है ना। अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं करने से वो बिगड़ जाएगा। लाइकवाइज अगर हम स्किन को अच्छे से केयर नहीं करने से, वो तो बिगड़ना है, वो बिगड़ गया तो
तो उसको वापस ट्रैक में कैसे लाया जाए, है ना। तो उसको विदाउट मेकिंग मच डिफरेंस, ब्यूटी को इंटैक्ट रखते हुए, नेचुरल लुक्स देते हुए हम ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि अरुणाचल में बहुत सारे हैं कि वी नेचुरली लुक वेरी यंग, मी इवन माई सेल्फ आई गेट दिस कि आई लुक क्वाइट यंगर देन माई एज, बट आई हैव सीन दैट मेरे जो विमेन 10-15 ईयर्स यंगर देन मी, समटाइम्स दे लुक ओल्डर देन मी। अगर इफ़ दे वॉन्ट कि थोड़े से मेंटेनेंस करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका टाइम ही पार हो गया, इट कैन नॉट बी रिवर्ट बैक, है ना। तो दीज प्रोसीजर्स आर फॉर देम, जिनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए एक ऑप्शन रखा गया है, बस इसमें ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे हम किसी के स्किन के साथ। साइड इफेक्ट इसमें साइड इफेक्ट नहीं है ज़्यादा कुछ, इसमें बस डाउन टाइम बोलते हैं कि हमने माइक्रोनीडलिंग किया, थोड़े से रेडनेस आ गया। तो बोलते हैं कि थियोरेटिकली तो 72 आवर्स तक के लिए होता है, बट प्रैक्टिकली 12 to 24 आवर्स तक ही होता है। नहीं, इसमें जो चेंजेस रिवर्ट बैक किया वो तो परमानेंट है, उसके बाद ये आपके ऊपर होगा ना, आपने कैसे अपने स्किन को मेंटेन किया, है ना। तो अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस तरीके से फाइन लाइन्स तो कंटिन्यू होते जाएगा, उसको काउंटर करने के लिए हमको टॉपअप लेते रहना पड़ेगा बीच बीच में, टू जस्ट टू मेंटेन द ब्यूटी विदाउट मच ऑल्टरेशंस। सो रिवाना एस्थेटिस्टिक में हम आए हैं, हमें इनवाइट किया गया है। आई एम वेरी हैप्पी, वी आर इनफैक्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर। ये नया एक लॉन्चिंग मशीन का ये लॉन्चिंग में हम लोग आए हैं। सो वी आर वेरी ग्लैड दैट हमारा अरुणाचल ईटानगर में भी इस किस्म का मशीन आया है। ये दिस इज़ एक समय का ये ड्रीम था, ओनली हॉलीवुड में बॉलीवुड लोग ही करता था, सभी को सुंदर दिखना क्यों अच्छा नहीं लगता है। एज एन आर्टिस्ट ऑफ स्टेट, हम लोग का अर्थ और ये सुंदरता तो हमेशा साथ साथ मिलके चलते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम आर्टिस्ट होने का नाते बोलेंगे, सुंदरता इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सभी को अच्छा दिखना अच्छा लगता है। तो हम भी ये आपको मेरा थ्रो से एक मैसेज पास करूँगी, दोज रियली वॉन्ट टू लुक गुड, फील गुड और हेल्दी लिविंग जिंदगी चाहता है तो कम टू दिस रेवना एस्थेटिस्टिक, और आप अपना जो ये मशीन का काम कर सकता है, जो ये अभी बहुत सुंदर सुंदर बताया, ये मशीन कहाँ से इंपोर्ट करके लाया गया है, इज़राइल वहाँ से, वन ऑफ द सर्टिफाइड मशीन है। तो इसमें जो आपको काम कर सकता है, जैसा फाइन लाइन्स हुआ, रिंकल्स हुआ और स्कार्स हुआ और स्मूथ जो दिखना है, वो आके यहाँ करवा लीजिए। और ये हम कैंपेन करेंगे, ये हम आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो और आज का ये दिन के लिए जो ये रिवाना टीम को मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ, स्पेशली डॉक्टर बेंगिया चिरची काबक को मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने ये सुंदर स्टार्ट किया। थैंक यू सर। एज अ फादर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो आई एम द हैप्पीएस्ट फादर ऑन दिस अर्थ, क्योंकि 10th अगस्त को मेरा बेटी जन्म लिया था, और मुझे याद है कि ये रेवाना एस्थेटिक को भी ओपन किया है 10th अगस्त को लास्ट ईयर। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उसका बेटी जो लियाना है उसका भी 10th अगस्त को ही जन्म हुआ है, ये तीनों चीज़ एक साथ हो रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है ये शायद 10 अगस्त कुछ है, इसके चलते ये थोड़ा मुझे मेरी बेटी पे सक्सेस देखने को मिल रहा है। अंदर में वो कैसे कैसे मैनेज करता होगा वो उसका बात है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन वो जो कोई भी चीज़ करना चाहेगा वो पूरा दम के साथ करते हैं और पूरा नॉलेज के साथ करते हैं, एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन हर। एंड जो भी यहाँ आज तक पेशेंट्स आए हैं वो सब सेटिस्फाइड होके मुझे उल्टा फीडबैक देता है, उसका सेटिस्फेक्शन को उसको एक्सप्रेस नहीं करके आपका बेटी ने ये कर दिया वो कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी बोलते मुझे फीडबैक देता है, आई एम वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम। थैंक यू।